अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और आप लोग देख रहे हैं मुरसलीन कैड मोल्डिंग। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट नंबर 9 बनाया था, तो हम अगले प्रोजेक्ट की जानी बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट नंबर 10। माशाल्लाह से हमारा आज प्रोजेक्ट नंबर 10 है, तो हम जाएंगे इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। यह है प्रोजेक्ट नंबर 10, तो इसकी लेंथ है 3.125 और इसकी विथ है 1.25 और इसकी डेप्थ जो है वो 1.5 है। तो हम अपनी स्क्रीन पर जाएंगे, क्रियो ओपन कर लेना है आप लोगों ने। इसके बाद सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी करनी है आपने, ओके करेंगे, न्यू पर जाएंगे। पार्ट है यहाँ पर, तो पार्ट का नाम रख देते हैं हम लोग। पार्ट का नाम है प्रोजेक्ट नंबर 10, ओके। उसके बाद हमने फाइल में जाना है, प्रिपेयर्ड मॉडल प्रॉपर्टीज़। इसका जो यूनिट है वो इंच में है, तो हम इसको चेंज कर देंगे mm में, ओके, क्लोज एंड क्लोज। उसके बाद आपने एक्सट्रूड में जाना है, टॉप प्लेन सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद सेंटर रेक्टेंगल लेना है यहाँ पर। इसकी जो लेंथ है वो है 3.125 और इसकी जो विथ है वो है 1.25 और इसकी जो डेप्थ है 1.5 की डेप्थ है। ओके करेंगे, कंट्रोल डी। तो हमें बेसिकली ये दो साइड्स ही चाहिए, तो हम बाकी आप लोग को तो पता है चल गया होगा। अब तो शेल की कमांड लेंगे हम लोग यहाँ पर, वन क्लिक कंट्रोल दबा के सेकंड, कंट्रोल दबा के थर्ड एंड सॉरी, हमने यहाँ पे ये वाली जो है हमें एक ये वाली रहने देनी थी हमें, तो हम कंट्रोल दबा के ये वाली। तो इसकी थिकनेस देख लेते हैं, यहाँ पे थिकनेस है 0.375 की थिकनेस है 0.375, इंटर, ओके, कंट्रोल डी। ये देखिए अब बन गया ये यहाँ पर। तो हम इसका अब ये वाला डाया हिस्सा बनाएंगे। इसका जो डाया है वो है 1.5 का डाया है और ये यहाँ से ये वाले एज से इसका सेंटर है 3.125 का। तो हम एक्सट्रूड लेंगे, ये टॉप सरफेस पे स्केच बनाएंगे हम लोग। सर्कल की कमांड लेंगे यहाँ पर, सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। इसका जो डाया था वो है 1.5 का डाया, तो ये हमें ये सेंटर से नहीं चाहिए डायमेंशन, हमें ये वाला एज और इसका सेंटर। तो ये है 3.125, ओके हो गया जी। उसके बाद ओके करेंगे यहाँ पर, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो इसकी डायरेक्शन है ये पूरा है, जो इसकी जो लेंथ है वो 2 की है, तो 0.375 वो ये इसकी जो ये डेप्थ थी वो है 1.5 की यहाँ तक है, तो 2 की है तो 0.5 बन गया। ऊपर 0.5 है और नीचे है 1.5 की है नीचे वाली डेप्थ। आपने ऊपर भी जाना है, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड साइड 2 है, तो इसको यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, इसकी जो ये ऊपर निकल जाएगा, तो इसकी डायमेंशन देख देंगे 0.5, ओके करेंगे, कंट्रोल डी। ये जगह ये बन गया। तो ये तो हम इसके जो सेंटर में डाया है, अब 0.75 का सेंटर में डाया है, थ्रो है पूरा ये। तो हम ये एक्सिस लगा हुआ है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। होल की कमांड लेंगे, एक्सिस क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसका डाया है 0.75। तो कंट्रोल दबा के फेस क्लिक करेंगे, तो इसको यहाँ पर पूरा थ्रो कर देंगे, ओके करेंगे। ये देखिए ये पूरा थ्रो हो गया यहाँ पर। तो हम हमें ये वाला होल बनाना है, तो हम सीधा जाएंगे एक्सट्रूड, ये टॉप सरफेस क्लिक करेंगे। मैं एक्सट्रूड से बना रहा हूँ होल भी, तो सर्कल की कमांड लेंगे। तो ये वाली जो डायमेंशन है सेंटर से है, डायमेंशन डायमेंशंस
ये वाला एक्सिस लेना है। ये वाला एक्सिस नहीं ले रहा है तो हम इस करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सेंटर लाइन की कमांड लेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना देगा सेंटर में। डायमेंशंस ले लेते हैं इसकी और सर्कल की। तो इसकी डायमेंशन है यहाँ से 2.125, वन डायमेंशन यहाँ से वन कम हो जाएगा, सॉरी 2.125, 1.25 ओके करेंगे यहाँ पर। इसका जो डायमीटर है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया, डायमीटर देख लेते हैं। इसका डायमीटर है 0.5 के दो होल हैं यहाँ पर, तो इसका डाया सेलेक्ट कर लेते हैं 0.5 ओके। डायरेक्शन चेंज करेंगे इसकी, रिमूव मटेरियल हो चुका है ओके, एक बन गया। उसके बाद हम लोग ये वाली सरफेस पे भी बना लेते हैं जल्दी से सर्कल। 0.5 का डाया है 0.5, तो इसकी जो डायमेंशन है यहाँ से है 0.625 और 0.5 यहाँ से, तो ये तो यहाँ पर आ गया 0.5। और जो ये टेंजेंट लगा हुआ है तो इसको हम डिलीट करेंगे। इसकी डायमेंशन लेंगे सेंटर ये वाली 0.625 ओके। रिमूव मटेरियल, रिमूव मटेरियल, डायरेक्शन चेंज ओके करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर दो होल भी हो गए। ये रेडियस लगा हुआ है यहाँ पर 0.19 का रेडियस है, तो 0.19 का रेडियस लगा लेते हैं। राउंड की कमांड लेंगे, यहाँ पे एच सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो बहुत बड़ा लगा हुआ है तो यहाँ पर 0.19 ओके। ये हो गया यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नंबर 10। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया आप लोग का।